नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 ब्रिज कोर्स विषय गणित में। हम देखते हैं आज का हमारा जो सॉल्यूशन है पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो जैसे इस पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 4 थे, है ना, जो कि पेज नंबर 51 के कार्यपत्रक का अधूरे क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। देखो इसको सॉल्व करेंगे, हम कैसे करेंगे देखेंगे। आप किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इनको मान लेते हैं, ठीक है। माना कि त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के कोण 2x, 3x डिग्री तथा 4x डिग्री है। डिग्री क्यों, क्योंकि हम कोण मान रहे हैं, ठीक है, और सबके साथ हमने x मान लिया। अब हम चौकी लगा के लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला कोण हमारे पास 2x डिग्री, इसलिए ना, प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री और बराबर सबका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, 5x और 4x 9x बराबर 180 डिग्री। एक्स का मान निकालेंगे तो 9 चला जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0, तो x का मान आएगा 20। कितना आएगा, 20। लेकिन हमसे तो कोण पूछे हैं, तो हम लिख देंगे अतः पहला कोण क्या माना था हमने, तो यहाँ पे देखो 2x 3x और 4x, तो पहला कोण 2x, तो 2 × x की जगह x का मान 20 हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 40, ठीक है। दूसरा कोण कितना था हमारा, 3x, तो 3 × x की जगह x का मान 20 और 3 × 6 = 60 डिग्री, ठीक है। कोण नंबर तीसरा 4x, तो 4 × x की जगह x का मान 20 और 4 × 8। तो देखो यहाँ पे 80 और 60 कितने हो गए, 140 है ना, 140 और 40 180 डिग्री, और यही हमको पता लगाना था, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया, आप नोट कर लीजिए यहाँ से, और उसके बाद ये और फिर ये। अब हम समझेंगे इसका आज का हमारा दूसरा, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 5। 440 रुपये को ए और बी के मध्य 6:5 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो मान लेंगे इसको भी, सॉल्यूशन नंबर देख रहे हैं हम 5। तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि अनुपात 6 के साथ x व 5 के साथ x है। फिर हम क्या करेंगे, तो चूंकि समान अनुपात में विभक्त करना है, तो 6x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 440, 6 और 5 11x बराबर 440। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो 440 के बटे में क्या आ जाएगा, 11। तो ये 11 के पहाड़े से कैंसिल हो, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और ये 0 आपके एसी केसी, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर है वो वाला, कौन सा, पहला हमने क्या बताया था, 6x, तो लिख देंगे 6x, 6 × x की जगह x का मान और 6 चौक 24 और 10 पहले से, तो 240, ठीक है। नंबर 2 करके बता देंगे, तथा में क्या था हमारा अगला, 5x, तो 5 × x की जगह x का मान और 5 चौक 20, ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 5 पे, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन यहाँ से, और फिर ये क्लियर गाइस। अगला देखते हैं, 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे छात्रों का अनुपात दे दिया है हमको, और कक्षा कितने की है, 50 बच्चों की, मतलब वही बात है, 50 का जो है 2:3 अनुपात में विभक्त करना है, किसको, 50 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन नंबर डाल देते हैं 6। 50 बच्चों की कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात, हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि छात्रों का अनुपात 2 और 2 के साथ क्या, 2x है, तथा छात्राओं का
अनुपात 3 है तो 3 के साथ क्या मान लेंगे, 3x है। अब इन छात्र छात्राओं को समान अनुपात में बांटना है, या इसने बोला है कि छात्र छात्राओं की संख्या, सॉरी छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो छात्र और छात्राएं टोटल मिलकर कितने हैं, 50 है, क्योंकि 50 बच्चों की क्लास में छात्र भी है और छात्राएं भी है, मतलब छात्र और छात्राओं दोनों को जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। तो छात्र क्या है, छात्रों का अनुपात 2x है, छात्राओं का 3x है, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3x = 50, 2 और 3 5, 5x = 50। आप x का मान निकालेंगे, 5 जाएगा बटे में, तो x = 50/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, तो x का मान क्या मिल गया आपको, 10। क्या आया है, तो x का मान मिला है हमें 10, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। हम लिखेंगे अतः छात्रों की संख्या, क्योंकि हमसे छात्रों की संख्या पूछा है, तो छात्रों की संख्या बराबर क्या मानी थी हमने, तो 2x माना था, अनुपात था 2। अब 2 × x की जगह x का मान 10, तो ये हो गया 20। तथा छात्राओं की संख्या निकाल लेंगे, छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या कितनी है, 3x, 3 × x की जगह x का मान कितना आया हमारा, 10 आया, 3 × 2 = 30, तो ये छात्राओं की संख्या होगी और यही आपका आंसर भी होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, पहले ये क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ से, और फिर ये देखते हैं अगला। तो अगला आता है हमारा कार्यपत्रक 2, यहाँ पे हमें बताया है संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, जैसे 1/4 को प्रतिशत में। तो मैं आपको बता देता हूँ किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, कायम करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं, यहाँ बता देते हैं। तो आपको संख्या में गुणा करना पड़ेगा कितने का, 100 का, ठीक है, कितना गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तो कर लेते हैं, प्रतिशत में बदलना है, पहली संख्या है 3/4, तो मैं कॉपी में सॉल्व कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो पहली संख्या है 3/4, ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/4 में 100% का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं, तो 4 से 1 कट सकता है, तो क्यों ना काट दें हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20, 4 और 5 20, तो ये 3 बचा और नीचे बचा 25, तो कितना हो जाएगा, 25 * 75, और 75% आपका आंसर भी होगा। इसी प्रकार 1/2 हमको दिया है, तो सेकेंड हम देख लेते हैं 1/2, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 को परसेंट में लाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 5 10 और 0, तो ऊपर बचा 1 × 50, मतलब 50 एकम 50, और परसेंट, ठीक है। तीसरा हमको क्या दिया है, 1/5, तो यहाँ पे 1/5 को कर लेते हैं, तो 1/5 को क्या करेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 × 10 और 0, तो 1 × 20 बचेगा, ये 1 और ये 20, तो कितना हो जाएगा, 20 एकम 20%, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कार्यपत्रक 2 का पहले का। फोर्थ हो जाएगा 1/10, तो ये वाला मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये फोर्थ नंबर का हल कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन लिख के एक बार ऐसा कैसा नोट करेंगे। अगली कंडीशन में गुणा कर देंगे इसका 100 का, ये कुछ भी नहीं है ना, 10 ही है यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा यहाँ से 1 और गुणित में 10, तो कुल मिला के 10 एकम 10%। अगला है 3/20, जो इसका फिफ्थ नंबर का है, वो मैं कॉपी में करवा देता हूँ, 3/20, तो हल लिखेंगे 3/20 ऐसा कैसा, और गुणा करेंगे 100% का, पहले 0 से 0 कैंसिल करेंगे आप, फिर 2 एकम 2 और 2 5 10, तो क्या आएगा, 3 × 5, मतलब 3 और 5 15, और 7 में%। तो ये था आपके कार्यपत्रक 2 और प्रश्न क्रमांक पहला, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये नोट कर लीजिए, ठीक है, और बाकी के सॉल्यूशन यहाँ पे, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड और ये फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ वाला मैंने इसी में करवा दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कार्यपत्रक 2 पेज नंबर 52, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखिए। अब जो प्रतिशत में आपको संख्या दी गई है, इसको भिन्न में बदलना है। देखो परसेंट को अगर बदलना है काय में, भिन्न में, तो 100 का क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, भाग। कैसे करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, मतलब भाग दे रहे हैं, तो 40%, परसेंट हटाएंगे इसलिए बटे में आ जाएगा 100, तो यहाँ पे देखो
जीरो से तो जीरो कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 4/10। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहले वीडियो में, इससे पहले जो भी एक दो वीडियो में देखे थे, कि किसी भी संख्या में जैसे जीरोस का भाग देना, जैसे 10 है मतलब जीरो आ रहा है, 100 होता तो भी जीरो, जीरोस का भाग देते ना तो भाग दे के आपको नहीं बताना, आपको डायरेक्टली बता देना। जैसे नीचे एक ही जीरो आया है तो आप ऊपर पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, दो जीरो आएगा दो अंक छोड़ के लगेंगे, तीन जीरो आएगा तो तीन अंक। फिलहाल हम एक जीरो आया है तो एक अंक चार ही छूटेगा और दशमलव लग जाएगा, या फिर उसने बोला हमको भिन्न में बदलना है तो यहाँ पे सॉरी आंसर लाने नहीं, आपको 2 दूनी 4 करके 2 5 10 कर दोगे और इसका जो आंसर बनेगा वो 2/5 बनेगा, क्योंकि हमको तो भिन्न में लाना है मतलब अंश और हर बनाना है। सेकेंड है आपके 50%, तो इसको हल कर लेते हैं कॉपी में। तो मैंने बताया आपको परसेंट हटाने के लिए बटे में लगाना है 100, तो ये गया 0 से 0 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसके बाद इसका थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में हमें दिया है 30%, कितना दिया है 30%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, 0 से 0 गया। अब 3 को 10 से काटा नहीं जा सकता है या 10 से 3 को भी नहीं काटा जा सकता है, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, और चूंकि भिन्न बना के देनी है इसलिए आपको बटे में संख्या रखनी पड़ेगी, आगे आप इसे हल मत करिएगा। इसका फोर्थ वाला हम देख लेते हैं, 85%, कितना दिया है 85%, तो 85 ऐसा कैसा परसेंट की जगह हो जाएगा 100, ठीक है कट कर देंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 और 7 तो 35, 5 दूनी 10 और 0, आंसर मिलेगा आपको 17/20। ठीक है, यहाँ पे हम अगला फिफ्थ देख लेते हैं, 60%, कितना दिया है हमको 60%, तो 60 और बटे में क्या हो जाएगा 100, तो 0 से 0 गया, फिर 2 3 6 और 2 5 10, इससे आगे तो हल होगा नहीं है, 3/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगली, तो 50/6 से 75%, 6 से 75%, तो परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड पे मतलब बटे में 100, कट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 के 25, 5 दूनी 10 और 0, 5 3 15, 5 4 20, तो क्या आ जाएगा ये 3/4। क्लियर गाइस, तो ये था आपके पेज नंबर 52 पर जो कार्यपत्रक 2 है उसका प्रश्न क्रमांक 2, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके सॉल्यूशन का भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, फिर ये और फिर ये। क्लियर गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।